दुनिया में आज देखिए बाबा साहेब आम्बेडकर के अखबार मूकनाय के 100 साल पूरे होने पर खास पेशकश। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अखबार में दलितों और पिछड़ों के हालात को लेकर जो सवाल उठाए थे, क्या वो आज भी है कायम? बताएंगे आपको भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या थी आम्बेडकर की सोच। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं आपके साथ पायल भुयन। बाबा साहेब आम्बेडकर पर आज की कवर स्टोरी में चर्चा होगी, मगर उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज खत्म हो जाएगा ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का 47 साल पुराना साथ। ईयू के नेताओं का दावा, अब नई साझेदारी को कामयाब बनाने के लिए करेंगे काम। भारतीयों पर क्या होगा असर? कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह, चीन के साथ संपर्क पर रोक की जगह बेहतर स्क्रीनिंग पर दे ध्यान। चीन से लगी सीमा सील कर चुके हैं कई देश। निर्भया केस के दोषियों की फिर टली फांसी, दिल्ली की एक अदालत ने लगाई रोक, पीड़िता की मां ने कहा जारी रखूंगी लड़ाई। अगले वित्तीय वर्ष में 6% से ज्यादा रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान कल वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। और मिलवाएंगे भारतीय महिला हॉकी टीम की रानी से, जो चुनी गई है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। इन खबरों में से कुछ की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दलितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज उठाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज से ठीक 100 साल पहले शुरू किया था मूकनायक नाम का एक अखबार। आज कवर स्टोरी में इसी पर है हमारी खास पेशकश। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इसी मकसद से उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूकनायक नाम का अखबार शुरू किया था। गुलाम भारत में शोषित और वंचित लोगों की आवाज उठाने के लिए उस वक्त कोई अखबार नहीं था और मूकनायक ने इसी कमी को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा दौर में दलितों के मुद्दों को भारतीय मीडिया में पर्याप्त जगह मिल पा रही है? मूकनायक अखबार के 100 साल पूरे होने पर इसी बात की पड़ताल कर रही है बीबीसी संवाददाता मयूरेश कन्नूर की यह खास रिपोर्ट। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझ चुके थे कि समाज में किसी भी बदलाव या आंदोलन में अखबार बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। उस वक्त के तमाम अखबारों में अछूतों की समस्याएं या फिर उनके राजनीतिक अधिकारों की बातों को जगह मिलती नहीं थी। स्थापित अखबारों में भी इन मुद्दों को अहमियत नहीं मिलती थी। 1917 में साउथ बोरो कमीशन के सामने पेशी के दौरान बाबा साहब को जो परेशानियां हुई उससे वो ये बात समझ चुके थे। इसी सोच से मूकनायक अखबार का जन्म हुआ, जो आम्बेडकरी आंदोलन का पहला मुखपत्र था। यह वर्तमान पत्र शुरू करने की पार्श्वभूमि जर अपन पहली तथ्य इस अखबार को शुरू करने की पृष्ठभूमि देखें तो समझ में आता है कि उस समय के मुख्य अखबार जैसे केसरी और दूसरे समाचार पत्रों में शोषित महिलाओं और पिछड़ी जातियों को महत्व नहीं दिया जाता था। इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। बाबा साहब को ये बात खल रही थी। 31 जनवरी 1920 को मूकनायक पत्रिका का पहला अंक मुंबई में प्रकाशित हुआ। सदियों से समाज के दबे कुचले वर्ग को, अन्याय सहने वाले वर्ग को अपनी बात कहने का एक जरिया मिल गया। उनकी आवाज उठाने का काम मूकनायक करने लगा। अखबार शुरू करने के लिए जो पैसों की जरूरत थी उसे पूरा करने के लिए कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज आगे आए। उन्होंने 2500 रुपए की मदद की जिससे मूकनायक छपना शुरू हुआ। अपने पहले लेख में बाबा साहब ने लिखा, हमारे बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के साथ ही उनकी भविष्य में उन्नति और आवश्यक मार्ग की सही मायनों में चर्चा के लिए अखबार जैसा दूसरा माध्यम कोई और नहीं है। लेकिन मुंबई इलाके में छप रहे अखबारों पर ध्यान दिया जाए तो नजर आएगा कि इनमें से ज्यादातर अखबार किसी एक जाति का हित देखने वाले हैं, दूसरी जातियों की उन्नति की उन्हें परवाह नहीं है।
इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी उन दूसरी जातियों के लिए अहितकारक विचार भी उनमें आते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिलक, उस समय लोकमान्य तिलक का केसरी नाम का अखबार भी था। बाबा साहब उस अखबार में मूक नायक का विज्ञापन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विज्ञापन के 3 रुपए और उसका मैटर केसरी को भेज दिया, लेकिन वो विज्ञापन उन्हें वापस लौटा दिया गया। बाबा साहब समझ गए कि जहां पैसे देकर भी उनका विज्ञापन नहीं छापा गया, वहां उनके सवालों को कैसे महत्व दिया जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने अपने सहयोगियों को कहा कि अपना स्वतंत्र अखबार होना ही चाहिए। इसी 1920 में माणगांव में परिषद हुई, जहां बाबा साहब के नेतृत्व का ऐलान हुआ। इसी दशक में आगे मनुस्मृति का दहन हुआ, महाड़ का सत्याग्रह भी हुआ। इन आंदोलनों के लिए जमीन मूक नायक से बनी। दलितों की, शोषित वंचितों की समस्याएं उस वक्त के मुख्य धारा के माध्यमों में दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक की शुरुआत की। उनका यह कहना था कि ये जो माध्यम या फिर अखबार थे उस वक्त, उन पर किसी विशिष्ट वर्ग या फिर जाति का प्रभाव था। अब जब मूक नायक के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है? क्या हम ये अब मान सकते हैं कि देश का मीडिया जो है वो किसी विशिष्ट वर्ग या फिर जाति के प्रभाव से बाहर आ चुका है? विशेष म्हणजे 1920 मध्ये त्यांनी मूक नायकच्या वेळेला, 1920 में मूक नायक के समय या फिर बाद के भारत के वक्त बाबा साहब ने जो आकलन किया, आज के अखबारों में भी वही दिखाई देता है। आज के अखबारों पर भी एक जातीय प्रभाव का असर साफ दिखता है। सवर्णों का प्रभाव, दूसरी पिछड़ी जातियों के संबंध में जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था, जो बाबा साहब ने देखा, आज भी वो सवर्ण प्रभाव साफ दिखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उस वक्त के अखबारों पर व्यापारियों का और विज्ञापनों का दबाव बहुत है। इस आर्थिक दबाव को हम आज भी देख रहे हैं। व्यापारी प्रभाव खूब है, मुझे जाहिरातों का प्रभाव खूब है, मुझे आर्थिक दर्पण खूब है। अगस्त 2019 में ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री ने भारत की मीडिया का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूज रूम के 121 वरिष्ठ पदों में से 106 सवर्ण, 5 पिछड़ी जातियों से और 6 अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं। टीवी पर डिबेट शो करने वालों में हर 4 में से 3 एंकर सवर्ण है। प्राइम टाइम टीवी डिबेट शो में 70% पैनलिस्ट सवर्ण समाज से आते हैं। अंग्रेजी अखबारों में दलित या आदिवासी समाज के लेखकों के लेख 5% से ज्यादा नहीं है। हिंदी अखबारों में ये आंकड़ा 10% तक है। न्यूज वेब पोर्टल्स में छपने वाले करीब 72% लेख सवर्ण समाज के लेखकों के होते हैं। जिन मीडिया संस्थानों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें 12 पत्रिकाओं के 972 कवर स्टोरीज में से सिर्फ 10 स्टोरीज जाति से संबंधित विषयों पर थी। ये आंकड़े बयां करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिसका जिक्र कर रहे थे, वह स्थिति आज भी वैसे ही है। इसलिए 100 साल बाद भी बाबा साहब के मूक नायक की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। मयूरेश कोनूर, BBC। डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। वो चुनाव व्यवस्था से भी संतुष्ट नजर नहीं आते थे। ये सभी बातें उन्होंने बीबीसी के साथ 1955 में हुई एक खास मुलाकात में कही थी। देखिए उस इंटरव्यू के कुछ चुनिंदा अंश। डॉक्टर अंबेडकर, डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज गोइंग टू वर्क इन इंडिया? नो, एक्सेप्ट इन अ फॉर्मल सेंस इफ यू वांट। व्हाट डू यू मीन बाय द रियल? आई मीन अ पैराफर्नेलिया ऑफ डेमोक्रेसी, स्पॉन्टेनियस इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो, इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change a government? I mean, it's better to change peaceably than who wants it. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. No, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Maybe it was a donkey who represented the Bullock, you see, or a very educated man who represented the Bullock. He simply voted for the Bullock. वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का भारतीयों पर क्या होगा असर। बीबीसी दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं आपके साथ पायल भुयन। आज यानी 31 जनवरी 2020 का दिन ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आज से 4 साल पहले ब्रिटानी लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया था और आज ब्रिटेन औपचारिक तौर पर यूरोपीय संघ से अलग हो रहा है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का 47 साल का नाता आज टूट रहा है। ब्रसल्स में ब्रेक्सिट पार्टी के सांसदों ने ब्रिटेन का झंडा थामकर यूरोपीय संसद से वॉकआउट किया। ये संकेत था ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने का। वहीं लंदन में यूरोपीय यूनियन के समर्थकों ने एक जुलूस भी निकाला। There was a very precious experience made by यूरोपीय संघ के 27 देशों के लिए ये बड़ा बेशकीमती अनुभव रहा। हम समझ पाए कि एकता में कितनी ताकत है। ये वो ताकत है जो देश अलग होकर महसूस नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिशों से अपने मूल्यों को बनाए रखा है। हमने अपने सदस्य देश आयरलैंड के हितों का भी पूरा ख्याल रखा। ऐसे में सबके साथ रहने और साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालने का ये अनुभव बेहद मूल्यवान रहा। हमें ब्रिटेन के अलग होने का दुख है, लेकिन हम ब्रितानी लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन ब्रेक्सिट का भारतीय लोगों पर और ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये उनके लिए ज्यादा मौके लेकर आएगा या फिर उन्हें ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में अपने भविष्य की चिंता सता रही है? बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल की इस रिपोर्ट को देखिए। Brexit done. 9 years to fund our NHS. A little bit patronising. The mess of Brexit. Boris Johnson's deal is unacceptable. I don't even know where that room is served. ब्रेक्सिट को लेकर बीते कई सालों से जारी राजनीतिक उठापटक के बीच आज ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से बाहर निकल रहा है। बीते कुछ सालों में ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या काफी बढ़ी है, लेकिन अब इन छात्रों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। Finally, after 3.5 years, UK आज formally EU छोड़ेगा और यहाँ का जो माहौल है pretty mixed किस्म का माहौल है। बहुत सारे लोग happy और relief feel कर रहे हैं कि finally UK आगे बढ़ रहा है Brexit के मामले को लेके। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, खास करके Indian students जिनके साथ मैंने बात की, वो मुझे बोल रहे थे कि वो काफ़ी worried, काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको पता नहीं उनका future कैसा लगेगा एक post Brexit UK में। मैं दुविधा में ज़रूर हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट कैसा होगा या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस और आसान होंगे या नहीं होंगे। मेरे हिसाब से इट वुड बी इट्स स्टिल अ वेरी अनसर्टेन क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, डील आई नहीं है बाहर। इंडियन करेंसी से तो 20 लाख 30 लाख पे करके आते हैं एंड देर नॉट गेटिंग कोई भी जॉब ना करने की अपॉर्चुनिटी मिलना, दैट्स वो अच्छी बात नहीं। लोगों को उम्मीद है कि भारत के ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से संबंध और मजबूत होने के आसार हैं, लेकिन इससे दोनों देशों के आपसी व्यापार पर क्या असर होगा? मैंने कुछ इंडियन बिजनेस ओनर्स से भी बात की जिन्होंने अपना बिजनेस यूके से शिफ्ट किया था ब्रेक्सिट अनसर्टेनिटी की वजह से। मैंने उनसे पूछा कि अभी जबकि यूके ईयू छोड़ रहा है कि क्या वो टेम्प्टेड होंगे वापस आने का? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे एसएमई के लिए 2-3 चीज़ करने की ज़रूरत है। एक, टैक्स और रेगुलेशन कम। दो, इंडिया जैसे देश के लिए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और तीसरी चीज़ इमिग्रेशन रूल्स को चेंज करना है। लोकल कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उसके बाद जो है जो री इन्वेस्टमेंट जो इंटरनेशनली जाएगी वो डेफिनेटली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को बहुत हिस्सा उसका जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मुल्क जो है इकोनॉमिकली भी और ज्योग्राफिकली भी जो है ना वो इंडिया है। इंडिया को तो फ़ायदा जाने ही जाना है जो है ना। जानकार मानते हैं कि भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के रिश्ते ब्रिटेन के साथ मजबूत होंगे और व्यापार क्षेत्र में भारत ब्रिटेन का एक अहम भागीदार होगा। अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या पोस्ट ब्रेक्सिट यूके एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडिया के लिए, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये है कि आज यूके फाइनली ईयू छोड़ेगा। गगन सबरवाल, बीबीसी न्यूज, लंदन। आगे मिलवाएंगे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल से, तो बहुत जल्द फिर मिलते हैं बीबीसी दुनिया के साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं आपके साथ पायल भुयन। वक्त खेलों पर हमारी खास सीरीज का। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से नवाजा गया है। वो इस अवार्ड को पाने वाली दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले इसी साल उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन रानी को इस मुकाम तक पहुंचने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। देखिए बीबीसी संवाददाता सूर्यांशी पांडे की ये रिपोर्ट। मैंने 7 ईयर्स की एज में हॉकी खेलना शुरू किया था कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट शाबद मारकंडा हरियाणा में। जैसे 20 साल पहले हरियाणा में सोसाइटी थोड़ा ऐसा होती थी कि लड़कियां सिर्फ एक घर के लिए बनी थी कि घर पे रहना है, घर का काम करना है। लाइक स्पोर्ट्स में आपको छोटे कपड़े डालने पड़ते हैं, शॉर्ट्स डालनी पड़ती है। सो पेरेंट्स को वो थोड़ा डर था, बिकॉज आई बिलोंग्स टू ए फैमिली कि मेरी फैमिली एजुकेटेड भी नहीं है। मेरे पिताजी एक कार्ट पुलर थे और मतलब रेड़ा घोड़ा चलाते थे हमारी फैमिली को खाना देने के लिए। समटाइम्स ऐसे लगता था कि पता नहीं 3 टाइम का खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकेडमी में भी समटाइम्स ऐसे होता था कि हमें दूध लेके जाना होता था पीने के लिए, ना कि हमें 500 ग्राम दूध पीना है। 200 ग्राम दूध लेके जा रहे हैं तो उसमें 300 ग्राम पानी डाल के लेके जा रहे हैं। सो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड था लाइफ का। एंड उसके बाद 2011 में जब मुझे जॉब मिली, उसके बाद से फिर मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की। जैसे हर एथलीट का एक ड्रीम होता है कि हम भी ओलंपिक्स में जाएं और अच्छा परफॉर्म करें कंट्री के लिए। सो हमारी टीम का भी वही ड्रीम है कि हम 1.3 बिलियन पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जाके ओलंपिक्स में। एंड जो भी हमारा सेशन होता है कि हम उसमें अपना पूरा हार्डवर्क करें, 100% दें, ताकि वी शुड से कि इन द एंड कि वी आर प्राउड ऑन आवर सेल्फ कि हमने जो करना चाहिए था वो सब कुछ किया। संसद के बजट के सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने CAA लाकर महात्मा गांधी की इच्छा पूरी की है। इसी खबर पर हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश की कलम से निकला ये कार्टून। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @PayalBhuyan। आज के लिए बस इतना ही।